हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल ट्रेंडिंग न्यूज़। आज के मुख्य समाचार। हिमाचल प्रदेश में 8 दिन बाद स्कूल खोलने के लिए SOP तैयार। HPU ने खोले हॉस्टल। केंद्र सरकार से जारी अनलॉक 4 की गाइडलाइन के अनुसार 9वीं से जमा 2 कक्षा के विद्यार्थी 21 सितंबर से स्कूल आ सकेंगे। इसके साथ ही केंद्र ने अभिभावकों के सहमति पत्र पर ही बच्चों को स्कूल जाने के लिए मंजूरी दी है। 21 सितंबर से 50% शिक्षक और अन्य स्टाफ को स्कूल आना पड़ेगा। वहीं हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय ने बाहरी राज्य और दूर दराज के परीक्षार्थियों के लिए हॉस्टल खोल दिए हैं। केंद्र ने 30 सितंबर तक स्कूल, कॉलेज और कोचिंग संस्थान बंद रखने का फैसला लिया है। इसके साथ ही केंद्र ने कंटेनमेंट जोन से बाहर वाले स्कूलों में 9वीं से जमा 2 कक्षा को शुरू करने के लिए SOP जारी की है। इसके अलावा पहली से 8वीं कक्षा की ऑनलाइन पढ़ाई की मॉनिटरिंग 21 सितंबर से शिक्षक स्कूल आकर करेंगे। शिक्षा बोर्ड ने जारी किया कि एक साथ होगी शीतकालीन और ग्रीष्मकालीन अवकाश वाले स्कूलों की परीक्षाएं। अब शिक्षा बोर्ड इस बार शीतकालीन अवकाश वाले स्कूलों की 5वीं, 8वीं और 9वीं कक्षा की परीक्षाएँ दिसंबर माह में नहीं लेगा। इस बार इन स्कूलों की परीक्षाएँ ग्रीष्मकालीन छुट्टियों वाले स्कूलों के साथ मार्च माह में एक साथ करवाई जाएगी। और मैं आपको बता देता हूँ कि ये परीक्षाएं 70% पाठ्यक्रम के आधार पर होगी। परीक्षा में 30% से अधिक वैकल्पिक प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके साथ ही हिमाचल प्रदेश में 6 अक्टूबर से होने वाली सेना की खुली भर्ती को स्थगित कर दिया है। जिन अभ्यर्थियों ने 20 सितंबर तक रजिस्ट्रेशन किया होगा उन्हें ही भर्ती में शामिल होने का मौका दिया जाएगा। युवा सेना की वेबसाइट www.joinindianarmy.nic.in पर 20 सितंबर तक पंजीकरण कर सकेंगे। धन्यवाद।